नोएडा के सेक्टर 122 के सामुदायिक केंद्र में हम मौजूद हैं और यहाँ पर होलिका दहन को लेकर काफ़ी यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर संख्या में मौजूद हैं। हमारे साथ इसी के साथ मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 122 RWA के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश शर्मा जी। उमेश शर्मा जी, किस तरीके का आयोजन किया गया है और ये हर वर्ष किस तरीके से आप मनाते हैं इसको? क्या हुआ साहब कि मैं हर वर्ष मनाते थे, लेकिन 2 साल के अंतराल पर इस साल हो रहा है। आपको मालूम है कि कोरोना काल में इकट्ठा होना 144 धारा के कारण मुश्किल हो गया था, और इस बार इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर उत्साह काफ़ी है। आज तो इसका प्रोग्राम है, कल हम लोग का रन का प्रोग्राम होगा, उसमें काफ़ी लोग की उपस्थिति रहती है और लोगों में हर्ष उल्लास है। इस साल ज़्यादा अच्छे से हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं। होलिका दहन किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है अध्यक्ष जी, इस विषय में बताएं। आपको तो मालूम है प्रहलाद का कहानी, अगर प्रहलाद का कहानी अनते ही होंगे तो इसलिए उचित रूप से इसको हम लोग मना रहे हैं। RWA सेक्टर 122 से हमारे साथ कोषाध्यक्ष ब्रह्मदास शर्मा भी मौजूद हैं। ब्रह्मदास शर्मा जी, होलिका दहन का जो पर्व है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और क्या उद्देश्य होता है इस पर्व का? इसका जो मेनली उद्देश्य है कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो सर्वव्यापी है और जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं ईश्वर उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने देता है। और इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है, इसमें जो होलिका है वो हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसको ये वरदान था कि वो किसी को भी अपने गोदी में ले लेगी तो वो जल जाएगा, लेकिन वो नहीं जलेगी। लेकिन जिन लोगों का ईश्वर के ऊपर आस्था है, विश्वास है, क्योंकि ईश्वर भी उनका जो नारायण है, नारायण के भक्त थे वो, नारायण जो थे उन्होंने उनकी रक्षा की, और उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसका विशेष रूप से जो है मतलब वो ये है कि कहीं भी नेगेटिविटी है, किसी के अंदर भी यदि किसी भी तरह की नेगेटिविटी है तो ईश्वर संसार का सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और जहाँ भी नेगेटिविटी होगी यदि हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनका मनन चिंतन करते हैं, तो किसी भी तरह की जो बुराइयाँ हैं वो हमारे जीवन में नहीं आ सकती। मैं सतीश मिश्रा हूँ, सेक्टर 122 का निवासी हूँ, पिछले 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो मिश्रा जी, ये बताएं जो होलिका दहन आप कब से मनाते आ रहे हैं इस सेक्टर में? देखिए, हम लोग तो इस सेक्टर में, मैं जब से आया हूँ तब से मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल से तो कोरोना के चलते उतने उत्साह और भव्यता से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस साल थोड़ा कोरोना का प्रकोप कम हुआ है तो लोगों में उत्साह दिख रहा है और लोग इसमें भाग ले रहे हैं और बहुत जोश के साथ मनाया जा रहा है। होलिका दहन तो हर वर्ष मनाया जाता है, तो इससे सीख क्या लेते हैं? देखिए, इससे सबसे बड़ी जो सीख है वो बुराई पे अच्छाई की विजय है। भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है और उन पे जो आस्था रखेगा वो हमेशा विजयी रहेगा और उनके रास्ते पर बताए हुए चलेगा तो हमेशा समाज में कल्याण होगा। ये सबसे बड़ी सीख है इसमें।